अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आई टी लैंड टूर्स की जानिब से मैं हूँ फैज़ान ज़फ़र। HTML5 की नेक्स्ट क्लास में आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। इस क्लास में हम HTML का जो पेज स्ट्रक्चर है उसके बारे में सीखेंगे। तो अगर आपने हमारा अभी तक चैनल आई टी लैंड टूर्स सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए और पुरानी जितनी वीडियोज़ हैं वो आप हमारे चैनल पर देख सकते हैं, और जो नई वीडियोज़ आएँ उनकी अपडेट्स आपको मिलती रहें। वो अपडेट्स का अगर आपने नोटिफिकेशन हासिल करना है तो आप बेल के आइकन पर क्लिक करें ताकि जो हमारी वीडियो जैसी अपलोड हो वो आपको उसका एक नोटिफिकेशन आ जाए, और नोटिफिकेशन के मदद से आपको ढूंढना ना पड़े या इंतज़ार ना करना पड़े और फौरन आप हमारी वीडियो देख सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं कि HTML का जो पेज स्ट्रक्चर होता है वो किस तरह है, तो चले हम उसको देख लेते हैं। तो HTML का जो पेज स्ट्रक्चर है वो इस तरह का कुछ शो होता है जो बेसिक स्ट्रक्चर है, और यही इसी के अंदर तमाम काम होता है, और इसी को आप मेन समझ लें। तो सबसे पहले हम यहाँ पे एक स्टार्टिंग टैग यूज़ करते हैं। जैसे मैंने आपको बताया कि कोई भी जो वेब पेज आपने अगर लिखना है तो आपने HTML का स्टार्टिंग और एंडिंग टैग देना है। स्टार्टिंग और एंडिंग टैग ये ज़रूरी होता है, इसके बगैर वो कुछ भी ब्राउज़र हमारा शो नहीं करता। तो ये हमने स्टार्टिंग और एंडिंग टैग दिया है। तो ये जो साइंस हैं यानी कि जो एंगल ब्रैकेट्स हैं इनको आप देख के यानी कि ऐड कर सकते हैं, कोई भी कोड इनके अंदर हमने लिखना होता है। जो ये एरो ब्रैकेट्स हमारे पास नज़र आ रही हैं इनके अंदर हमने कोड लिखना होता है। उसके बाद हमारे पास हेड का सेशन आ जाता है, और हेड का सेशन अगर आप ना भी यूज़ करें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इसके बाद टाइटल का सेक्शन ऐसा है, जैसे कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी एग्जांपल दी थी कि वो जैसे हमारे ऊपर ये पेज के ऊपर टाइटल नज़र आ रहा है, इसी तरह वेब सूट के अंदर टाइटल नज़र आता है, तो वो हमारे पास यहाँ पे नज़र आएगा। इसके अलावा यहाँ पे बॉडी का, इसके बाद यहाँ पे टाइटल के बाद हम यहाँ पे हेड क्लोज कर देते हैं। उसके बाद हम बॉडी यूज़ करते हैं, बॉडी के अंदर हमारे जो वेब पेज के अंदर तमाम चीज़ें होती हैं वो यानी कि ऊपर जैसे एक सिरे से लेकर यानी यहाँ से वेब ब्राउज़र शुरू हो रहा है आखिर कोने तक, वो तमाम चीज़ें हमारी बॉडी के अंदर नज़र आती हैं। उसके अलावा यहाँ पे जो हेडिंग का टैग हमने एक वैसे सिंपल यूज़ किया है वो हेडिंग के लिए यूज़ किया है, इसी तरह पैराग्राफ का एक टैग यूज़ किया है, इसी तरह अनदर पैराग्राफ के हम मुख्तलिफ़ यहाँ पे टैग्स यूज़ किए हैं, इसी तरह बोल्ड टैग बंद किया और HTML टैग को बंद किया है। तो चलिए अब हम इसको जान लेते हैं कि ये हमें ये जो हमने वेब पे एक छोटा सा स्ट्रक्चर लिखा है ये हमें बेसिकली नज़र कैसे आएगा। तो वो हम एक एक नोट पैड हम अपना ओपन कर लेते हैं, रन टाइम में जाके यहाँ पे हम अपना नोट पैड ओपन कर लेते हैं। नोट पैड ओपन करने के लिए हम सबसे पहले अपने कंप्यूटर में जाते हैं और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं नोट पैड, और नोट पैड या यहाँ पे नोट पैड हमने लिखते हैं। तो नोट पैड हमारे पास जो आपके कंप्यूटर का बाय डिफ़ॉल्ट है वो आपके पास आ जाएगा। तो उसके अलावा आप वैसे भी यहाँ पे नोट पैड को यानी कि जो कोई डॉक्यूमेंट आप लिखना चाहते होते हैं उसको हम लिख सकते हैं, जैसे न्यू फोल्डर 4, इसके अंदर न्यू में जाके अगर आपके पास यहाँ पे आ रहा है, हमारे पास यहाँ पे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट आ रहा है, नोट पैड हमारे पास नहीं आ रहा, तो नोट पैड हम विंडो को सर्च करके इससे भी नोट पैड हम सर्च कर सकते हैं। तो नोट पैड यहाँ हमने डायरेक्टली यहाँ पे सर्च कर लिया विंडो, और आर की मदद से हमने इसको पेस्ट करना है। जैसे ही पेस्ट करेंगे तो हमारे पास ये इसी तरह एक यहाँ पे ऐड हो जाएगा। उसके हम फाइल और सेव के ऊपर क्लिक करते हैं। सेव को पूछ रहा है लोकेशन क्या होनी चाहिए, तो हमने जो अभी ये फोल्डर बनाया ये हमारी लोकेशन है। तो आपने ये है कि पेज स्ट्रक्चर, तो STR हमने लिख के इसके बाद जो भी जो आपका मेन पेज होता है या जो भी HTML का पेज होता है उसके साथ आप लिखना है .html, इस एक्सटेंशन के साथ सेव करना है, तभी वो आपका वेब ब्राउज़र के अंदर शो होगा। तो हम सेव कर लेते हैं, ये देखें जैसे सेव किया तो ये हमारे पास इस तरह नज़र आया। अगर हम इसको सेव एज करके यहीं पे आपको एग्जांपल दिखा के बताते हैं, अगर हम इसको वैसे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट यहाँ पे हम इसका थोड़ा सा नेम तब्दील करते हैं ताकि सेव एज ना हो, ये देखें अगर हमने वो एक्सटेंशन ऐड ना की तो हमारे पास ऐसे ही शो होगा। तो चलिए हम इसको वेब ब्राउज़र में ओपन कर लेते हैं कि ये देखें ये हमने जो पेज डिज़ाइन किया है ये हमारे पास हेडिंग आ रही है, ये पेज टाइटल जो हमने यहाँ पे दिया है यानी पेज टाइटल, और ये हमारे पास पेज टाइटल आ रहा है। इस तरह जो हमने दो पैराग्राफ लिखे हैं वो हमारे पास यहाँ पे शो हो रहे हैं, यानी जो हमने अपना वेब पेज डिज़ाइन किया है वो हमारे पास इस तरह का शो हो रहा है।
तो उम्मीद है आपको इस पेज जो इसका स्ट्रक्चर है उसके बारे में आपको समझ आ गई होगी कि किस तरह वो वर्क करता है। तो नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम मज़ीद चीज़ें जानेंगे। तो आपने हमारा अगर आई टी यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी सब्सक्राइब कर लें ताकि नए लेटेस्ट वीडियो आपको मिलती रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।